अब हम बढ़ते हैं मटेरियल रूल नंबर सिक्स से। रूल नंबर सिक्स देखिएगा, रूल नंबर सिक्स जो है हमारा है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर के रूल, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर के रूल हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल क्या है। पहली चीज तो मटेरियल नाउन क्या होता है ये समझिए और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये समझिए। हालांकि मैंने आपको इससे पहले बताया है मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, फिर भी एक बार इस रूल के आने की वजह से एक बार फिर से देख लीजिए। मटेरियल नाउन का मतलब होता है नाउन दैट इज यूज टू मेक अदर थिंग, एक ऐसा नाउन जो किसी दूसरी चीज को बनाने के काम में आता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है जिसका रंग रूप आकार बदल करके हम किसी दूसरी चीज में ढाल सकते हैं, उन चीजों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे जैसे गोल्ड हो गया, जैसे गोल्ड हो गया सोना, सोना यानी गोल्ड, तो गोल्ड हमारा कैसा नाउन है, मटेरियल, क्योंकि उसका रंग रूप आकार बदल करके गोल्ड से आप क्या बना सकते हो, ब्रेसलेट बना सकते हो, गोल्ड से आप क्या बना सकते हो, गोल्ड से आप जो है चेन बना सकते हो, गोल्ड से और क्या बना सकते हो, गोल्ड से जो है आप रिंग बना सकते हो, ईयर रिंग बना सकते हो, ठीक है। तो गोल्ड हमारा मटेरियल है, किसी चीज को बनाने के काम में आता है, तो मटेरियल है, मटेरियल नाउन हो गया ये। लेदर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो नाउन जिसको जो है ऐसा नाउन जिसको देखा सुना छुआ और बॉडी पे टच ना किया जा सके, ऐसा नाउन जो है तो चीज लेकिन वो चीज ऐसी है जिस जो दिखाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है, छुआ नहीं जा सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे दुख, उसने मुझे दुख दिया, उसने दिया इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज है तभी तो दिया, तो उसने मुझे दुख दिया, तुमने लिया, तो लिया दिया कोई चीज सामान है, लेकिन दुख को हम देख नहीं सकते, दुख को जो है हम पकड़ नहीं सकते, दुख हमारा कैसा नाउन है, दुख हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दुख कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दुख को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मुझे अपने माँ बाप से प्यार मिला, तो माँ बाप से प्यार मिला इसका मतलब क्या हो गया कि प्यार माँ बाप ने दिया है, इसका मतलब कोई चीज है तभी तो दिया है, तो माँ बाप से प्यार मिला है इसका मतलब प्यार कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। धोखा हो गया, ठीक है, सुख हो गया, दुख हो गया, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन्हीं के हम रूल पढ़ने जा रहे हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दो रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं, दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ये स्वयं में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो स्वयं में सिंगुलर का मतलब क्या, स्वयं में सिंगुलर का मतलब ये कि जिस भी मटेरियल को आप लिखोगे उसमें एस नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना, एस का प्रयोग, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना, यानी कि प्लूरल मत बनाना, ठीक है, सिंगुलर में लिखना है। और दूसरा, एक तो खुद भी सिंगुलर होगा, दूसरा लगने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, जो वर्ब लगाई जाएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो बस दो बातें केवल ध्यान में रखनी है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर के, कि स्वयं भी सिंगुलर और लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर, स्वयं भी सिंगुलर और लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। तो देख लीजिएगा, स्वयं भी सिंगुलर लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर का क्या मतलब हुआ, पहचानिए कौन सा नाउन है यहाँ पे, गोल्ड, सोना, सोना कौन सा नाउन है, गोल्ड कौन सा नाउन है, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन मैंने कहा क्या, कहा कैसा होता है मटेरियल नाउन, हमेशा कैसा होता है मटेरियल नाउन, मैंने बोला कि हमेशा सिंगुलर होता है, कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर अगर होता है तो आप जो है इसको सिंगुलर करिए, गोल्ड क्यों किया हुआ है, गोल्ड कर दीजिए, क्या कर दिया, गोल्ड। और स्वयं भी सिंगुलर और लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर, जो वर्ब आर लगी हुई है वो आर का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो चलिए अगला एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए अगला है हमारा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वुड्स।
तो वुड्स क्या है, देखिए लकड़ी आर यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी कैसा नाउन है, इसका रंग रूप आकार बदल करके आप इसे दूसरी चीज को बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना, इसका मतलब ये कैसा नाउन है, ये हमारा मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन का क्या नियम है, ये भाई मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन का क्या नियम है, स्वयं भी सिंगुलर। तो वुड्स काटिए, क्योंकि वुड्स माने तो जंगल होता है, वुड करिए, क्या हो गया वुड्स की जगह पर वुड, स्वयं भी सिंगुलर और लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर, तो आर की जगह क्या हो गया, इज हो गया। एक और देखिएगा, ये लेदर्स लिखा हुआ है, लेदर आर मेड ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे आप देखो लेदर का मतलब, लेदर भी तो हमारा कौन सा नाउन है, लेदर भी हमारा कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका रंग रूप आकार बदल करके किसी दूसरी चीज में ढाला जाए उसे हम एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अभी एग्जांपल अगला वाला है, ये कैसा है, मटेरियल नाउन है, जिसका रंग रूप आकार बदल करके किसी दूसरी चीज में ढाला जा सके उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो लेदर एक मटेरियल है, ठीक है, इससे आप क्या बना सकते हो, शूज बना सकते हो, सॉक्स बना सकते हो, ठीक है, और क्या बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो, जैसे कि ग्लव्स बना सकते हो, जैकेट बना सकते हो, ठीक है, इसका रंग रूप आकार बदल करके आप दूसरी चीज में ढाल रहे हो, तो एक ऐसा नाउन है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या नियम क्या है, ऊपर देखिए आपने पढ़ा है मटेरियल नाउन के कितने रूल होते हैं, स्वयं भी सिंगुलर, लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर। क्या है, स्वयं भी सिंगुलर और लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर। तो चलिए इसको स्वयं में सिंगुलर कर दिया जाए, लेदर्स की जगह क्या हो जाएगा, लेदर हो जाएगा, और आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर की जगह इज हो जाएगा। अब ये तो हमारे एग्जाम्पल हो गए किस चीज के, ये गोल्ड वुड और लेदर, ये हमारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं मटेरियल नाउन के। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। क्लास में जो प्रेजेंट हो वो अपनी अटेंडेंस दे अपना नाम लिख करके, क्या आप क्लास में प्रेजेंट हैं, क्या आप क्लास में मौजूद हैं, जो भी लोग क्लास में मौजूद हों वो अपना नाम, हेलो हाय गुड मॉर्निंग कुछ भी लिख करके सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्लास में हैं या क्लास बंक कर दिए हैं। जितने लोग हैं वो सब लोग हेलो लिख करके सेंड करें। अगला देखिएगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने क्या होता है, ईमानदारी, कहते हैं ना मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद है, तो किसी ने कहा भाई पसंद है तो आप रख लो, आप ही ले लो भाई, आपको पसंद है आप रख लो, तो क्या हम रख सकते हैं ईमानदारी अपने पास, ईमानदारी को क्या रखा जा सकता है, ईमानदारी क्या किसी को दी जा सकती है, नहीं, क्या इसको छुआ जा सकता है, नहीं, कैसा नाउन है जल्दी बताएं, ये हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, है ना। तो ऑनेस्टीज क्यों है, पहली गलती तो इन्होंने दे दिया ऑनेस्टीज करके, तो ऑनेस्टी हो गया। दूसरी गलती क्या है, आर लिख दिया है, उसको सही करो, इज हो गया, आर को इज कर दिया, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, क्या होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला देखिएगा, फ्रीडम, आजादी। आजादी कौन सा नाउन है, आजादी को अगर आप ध्यान से देखो तो आजादी कैसा नाउन है, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, तो फ्रीडम्स की जगह फ्रीडम हो गया और आर की जगह इज हो गया। तो ये रूल यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, मैंने आपको 5 सेंटेंस भी करा दिए, रूल भी बता दिए, क्या रूल है कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल ये है कि स्वयं भी सिंगुलर, लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर।
ठीक है, तो ये जो आपके थे गोल्ड और वुड, ये हमारा, और लेदर, ये हमारा कैसा नाम था, मटेरियल। और वहीं पे अगर देखा जाए ये ऑनेस्टी और फ्रीडम, ये कैसे हैं, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस रूल के आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कह रहे हैं अगर दो समान नाउन, क्या कह रहा है, अगर दो समान नाउन, समान का मतलब एक जैसे, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अगर दो समान नाउन है, जैसे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने सर्कल बना रखा है, ये भी सर्कल ही है, तो यानी जो इधर लिखा है वही इधर लिखा है, दोनों समान है, ये और ये एक ही है, ठीक है, जो इधर लिखा वही इधर लिखा है। तो दो समान नाउन अगर, दो समान नाउन अगर जोड़े जाते हैं, क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, दो समान नाउन अगर क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, किससे जोड़े जाते हैं, दो समान नाउन जोड़े जाते हैं किस चीज से, या तो देखिए प्रीपोजिशन से, ये देखिए प्रीपोजिशन, या फिर कंजंक्शन से, या तो प्रीपोजिशन से जोड़े जाते हैं या कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। दो समान नाउन हैं जो कि जोड़े जा रहे हैं, किससे जोड़े जा रहे हैं, या तो प्रीपोजिशन से और या फिर कंजंक्शन से जोड़े जा रहे हैं। तो याद रखिए कि ये जो दोनों ही नाउन आपके होंगे ना, ये जो दोनों नाउन आप देख रहे हो, ये नाउन कैसे होने चाहिए, ये नाउन सिंगुलर में होने चाहिए, ठीक है। अगर दो समान नाउन प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से जोड़े जाएं तो वो नाउन कैसे होने चाहिए, वो नाउन हमेशा सिंगुलर में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सिंगुलर में होने चाहिए। और दूसरी बात, ये देखिए सिंगुलर में होना चाहिए नाउन सिंगुलर, और दूसरी बात जो लगने वाली वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, लगने वाली वर्ब भी आपकी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। दो समान नाउन अगर प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं तो वो दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, और लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो। जैसे देखिए समान होना चाहिए, जो इधर वही उधर, और बीच में प्रीपोजिशन या कंजंक्शन आया हो। देखिए बसेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बसेस, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, बसेस, दोनों तरफ बसेस बसेस लिखा हुआ है ना, तो दो समान नाउन है बसेस बसेस, बस जानते हैं ना यात्रा की जाती है, और बीच में देखिए प्रीपोजिशन आ गया है, आया है ये प्रीपोजिशन, है ना, ये क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन आया है, दो समान नाउन है इनके बीच में प्रीपोजिशन लगा है। तो दो समान नाउन अगर प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो बसेस की जगह पे क्या कर दो, बस आफ्टर बस हो गया, बस आफ्टर बस, ठीक है, बस आफ्टर बस हो गया। और वर्ब भी कैसी लगानी है, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो यहाँ पे बसेस आफ्टर बसेस किस रूल से है, दो समान नाउन अगर प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। एक और देखिएगा, जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है शिप्स, आफ्टर शिप्स, तो दोनों देखिए शिप यानी जहाज, पानी का जहाज, और ये भी देखिए शिप यानी जहाज, दोनों जहाज हैं, समान नाउन है, बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ही नाउन आपके कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ही नाउन आपको करने पड़ेंगे क्या, सिंगुलर में। तो
तो चलिए इनको सिंगुलर कर दिया जाए, ये शिप्स को काटा जाए और इसे क्या कर दिया जाए, शिप कर दिया जाए, एस एच आई पी, और ये भी एस एच आई पी, शिप आफ्टर शिप हो गया, शिप आफ्टर शिप, ठीक है, शिप आफ्टर शिप हो गया। और उसके बाद यहाँ पे वर की जगह क्या हो जाएगा, वॉस हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट के रूप में आए थे दो समान नाउन प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से जुड़ करके, इसलिए ये तो सिंगुलर हुए और वर्ब को भी इसने सिंगुलर कर दिया। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के रूप में ना आए, क्योंकि वर्ब किसको देख के लगती, सब्जेक्ट को देख के, तो खाली ये नाउन बदलेंगे, वर्ब पे फर्क नहीं। जैसे आई वॉन्ट है तो वॉन्ट थोड़ी कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू योर पेरेंट्स फेसेस टू फेसेस, तो यहाँ पे देखिए आप फेसेस टू फेसेस जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फेसेस टू फेसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये एक नाउन नजर आया, आया नजर, ठीक है, और एक सेम देखिए ये नजर आया, फेसेस फेसेस, सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना सेम, जो इधर है वही उधर है। और बीच में अगर आप देखो तो इनके बीच में ये टू आया हुआ है, क्या आया हुआ है, टू। तो देखिए दो समान नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आया, इसके बीच में दो समान नाउन, ये फेसेस बीच में आपका प्रीपोजिशन, तो इनको कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, तो फेसेस की जगह क्या हो जाएगा, फेस टू फेस, क्लियर, फेस टू फेस, फेस टू फेस हो गया। अब फेस टू फेस के बाद अगला देख लीजिएगा, कह रहे हैं यू मस्ट रिवाइज योर एक्सरसाइज टाइम्स टू टाइम। अब ये वाले सेंटेंस को भी हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे यू मस्ट रिवाइज योर एक्सरसाइज टाइम्स टू टाइम्स, इसमें क्या गड़बड़ी है, इसको हम देखें तो कह रहा है यू मस्ट रिवाइज योर एक्सरसाइज टाइम्स, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टाइम्स, तो ये हमारा जो है टाइम्स, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज उठ करके कहाँ आ गई है, वही चीज उठ करके यहाँ पर आ गई, आ गई है। अब टाइम्स टाइम्स दोनों सेम चीज लिखी हुई है, और इनके बीच में अगर आप देखो तो क्या नजर आ रहा है, इनके बीच में हमको ये टू नजर आ रहा है, प्रीपोजिशन नजर आ रहा है। तो दो समान नाउन के बीच में अगर जो है प्रीपोजिशन या कंजंक्शन आ जाए, या यूं कह लें कि अगर दो समान नाउन प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं तो कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो टाइम्स की जगह पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे भी टाइम, तो क्या हो गया, यू मस्ट रिवाइज योर एक्सरसाइज टाइम टू टाइम। आगे बढ़े, इस रूल में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये रूल आपका कंप्लीट होता है, रूल नंबर सेवन। तो रूल नंबर सेवन आपका हो गया कि यदि दो समान नाउन प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं तो वो दोनों नाउन सिंगुलर में और लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर में लगाई जाती है। अब यहां पे हम अगले रूल पे आते हैं, नाउन रिलेटेड टू कंपाउंड, क्या लिखा हुआ है, नाउन रिलेटेड टू कंपाउंड। नाउन रिलेटेड टू कंपाउंड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चलिए ये रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, नाउन रिलेटेड टू कंपाउंड में क्या पढ़ने जा रहे हैं, यही रूल पढ़ने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कौन सा है रूल। अब वहां पे अभी हम लोगों ने देखा दो समान नाउन, कैसे नाउन, समान नाउन, एक जैसे नाउन, जो इधर दिख रहा है वही इधर दिख रहा है, जो इधर दिख रहा है वही उधर दिख रहा है। अब जरा देखिएगा, फिर से एक बार मैं आपको ले चलता हूं उधर ही, देखिए यहां दोनों ही सर्कल थे ना, दोनों ही कैसे थे, सर्कल थे, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए जो यहाँ पे बना हुआ है वही समान नाउन, डिजाइन दोनों की सेम है ना। अब इस वाले की देख लीजिए, इसकी डिजाइन आपको चेंज नजर आ रही है, देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, और इधर देखिए क्या स्टार नजर आ रहा है आपको, ए ये
है स्टार नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या कह रहा हूं, अभी तक समान नाउन की बात थी, अब डिफरेंट नाउन, अभी वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन की बात होने जा रही है, ठीक है। अभी सेम नाउन की बात हो रही थी, अब हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के नाउन, व्हेन टू डिफरेंट नाउन कनेक्टेड विद एंड, अगर दो अलग अलग नाउन किससे कनेक्ट किए जाते हैं, एंड से कनेक्ट किए जाते हैं, अगर दो अलग अलग नाउन एंड से कनेक्ट किए जाते हैं, किससे कनेक्ट किए जाते हैं, एंड से। मैं केवल एंड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एंड की बात कर रहा हूं, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो वर्ब कैसी लगाई जाएगी, तो वर्ब लगाई जाएगी प्लूरल में, कैसी लगाई जाएगी प्लूरल, अलग अलग नाउन अगर एंड्स, देखो मैं आपको याद कराने का तरीका लय सुर ताल बता रहा हूं, अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब प्लूरल लगेगी, क्या कहोगे, अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब प्लूरल लगेगी, और वही अलग अलग नाउन देखिए अब की एंड से नहीं जोड़ रहे हैं, अब की किस चीज से जोड़ रहे हैं, अब की बार देखिए एक नाउन ये है, एक नाउन हमको ये देखिए अलग दिख रहा है, उधर ट्राइंगल है और इधर स्टार है, ठीक है, उधर ट्राइंगल है और इधर स्टार है, ठीक है। अलग अलग नाउन अब की बार किस चीज से जुड़ रहे हैं, प्रीपोजिशन से जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, प्रीपोजिशन से जुड़ रहे हैं। तो वर्ब कैसी लगेगी, तब वर्ब लगेगी पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, देखिए क्या लिखा है, वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ये जो पहला वाला हमारे पास होगा इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ये अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, ये अगर प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब लगा देना, जैसा होगा वैसा लगाना है, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। तो क्या रूल बन गया, एक बार देख लीजिए, अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब प्लूरल लगेगी, अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ेगा वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार लगेगी, वर्ब कैसी लगेगी, पहले वाले नाउन के अनुसार, क्लियर हो गया। अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब प्लूरल, अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ेगा वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं समान नाउन वाले में सिंगुलर था और अलग अलग नाउन वाले में प्लूरल। तो सबसे पहला है अंकित एंड सौरभ, अंकित एंड सौरभ। अब बताइए अंकित और सौरभ ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है, अंकित और सौरभ एक ही है कि अलग अलग है, ऑब्वियसली अंकित अलग है सौरभ अलग है, तो अंकित अलग है सौरभ अलग है, अलग अलग नाउन देख रहे हो आप किस चीज से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, अलग अलग नाउन किस चीज से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। तो अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब कैसी लगेगी, देखिए यहाँ पे अभी आपने देखा था अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब प्लूरल लगेगी, ठीक है। तो चलिए भाई प्लूरल लगा दीजिए वर्ब, तो यहाँ पर आपका जो हैज लिखा हुआ है एरर है कि नहीं, एरर है ना, यहाँ हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। अब अगला आ जाइए, क्या कह रहा है, नितिन एक बंदा हो गया, राकेश दूसरा बंदा हो गया, है ना, नितिन हो गया राकेश हो गया, नितिन और राकेश दोनों सेम है कि अलग अलग है, दोनों को ही अगर आप देखोगे तो दोनों अलग अलग है, नितिन अलग हो गए राकेश अलग हो गए, और ये दोनों अलग अलग नाउन किस चीज से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हैं। तो अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, तो वांट्स के बदले में क्या हो जाएगा, वांट, क्योंकि SEIS सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, तो कई बार बता चुका हूं, है ना। अब देखिएगा यहां पे तो जुड़े हुए थे किस चीज से, एंड से, अब की बार जरा देखिएगा, कह रहे मानसी एक नाउन अलोंग विद सुनील, अब यहां पे देखिए एक सुनील जी हो गए नाउन और एक कौन हो गया, मानसी जी हो गई नाउन, और दोनों किस चीज से जुड़े हुए, अलोंग विद से, विद क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। तो अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ेगा वर्ब पहले वाले नाउन,
तो पहला वाला कौन है? मानसी। तो बताओ मानसी सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर में है ना, तो सिंगुलर में है तो क्या हो जाएगा? हैव के बदले में हैज हो जाएगा, सिंगुलर कर दिया। अब ये नहीं कि हमेशा सिंगुलर करना है कि एंड से जुड़ा है तो प्लूरल और प्रीपोजिशन से जुड़े सिंगुलर। पहले वाले के अकॉर्डिंग देखिए, अभी मानसी यहाँ आया सिंगुलर है तो हमने हैज कर दिया। आपकी बार देखिए, द बुक्स किताबें नाउन है ना, और द बैग ये भी नाउन है, और किताब और बैग एक ही है कि अलग अलग चीजें? अलग अलग है। बुक बुक होती है, बैग बैग होता है, और बीच में इन लगा हुआ है। अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ेगा वर्ब पहले वाले। तो पहला वाला देखिए, बुक लिखा कि बुक्स? बुक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो इज के बदले क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो क्या बन गया? द बुक्स इन द बैग आर माइन, द बुक्स इन द बैग आर माइन हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात। तो कुछ एग्जांपल और लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से बैठ जाए हम लोगों के दिमाग में ये बात। चलो जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ क्या कह रहा। दिल्ली एक नाउन हो गया, मुंबई दूसरा नाउन हो गया। काहे से जुड़ा है? एंड से। अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब प्लूरल लगेगी, तो प्लूरल का मतलब आर। एज लगाओगे, क्या लगाओगे? आर। अब जरा देखिएगा, सुनील अलोंग विद, सुनील अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, सुनील अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैज या हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी। तो देखिएगा यहाँ पे एक नाउन सुनील है, एक नाउन फ्रेंड है, बीच में विद लगा हुआ है। पहला वाला कैसा है? सिंगुलर है। क्या चीज सेलेक्ट करोगे आप? हैज की हैव। द पेन एक नाउन हो गया, बैग दूसरा नाउन हो गया, और बीच में क्या आ गया? प्रीपोजिशन। अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ेगा है ना, इन प्रीपोजिशन है पहले वाले। तो पहला वाला पेन लिखा हुआ है ना, तो पेन हमारा कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? पेन लिखा कि पेन? सिंगुलर है, तो की क्या करेंगे? इज। आर गलत हो गया। लेकिन ये कर दें द पेन इन द बैग, अब की बार देखिएगा पेन अलग है, बैग अलग है, दो अलग अलग नाउन बीच में ऑन वो इन प्रीपोजिशन लगा है। पहला वाला पेन लिखा पेंस लिखा है, यहाँ पेंस लिखा है यानी प्लूरल में है, तो प्लूरल में है तो अब की बार क्या करेंगे? सेम सेंटेंस है, खाली यहाँ पेन था, यहाँ पेंस हो गया, इसकी जगह पर आर लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये रूल आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो ये हो गया रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या हो गया? रूल नंबर 8 में क्या हो गया? रूल नंबर 8 में हो गया कि अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब प्लूरल लगेगी, अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ेगा वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 को जरा ध्यान से देखिएगा। इसका नाम नाउन रिलेटेड टू कंपाउंड नहीं है, नाउन रिलेटेड टू कंपाउंड हमने यहाँ पे पढ़ा है, सेम चीज कॉपी पेस्ट हो गई। पहले मैं इसको सही करता हूँ। कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्या नाम है?
कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्लियर? ये रूल का नाम क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। और उस रूल का क्या नाम था जिसमें मैंने बताया कि अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ेगा वर्ब प्लूरल लगेगी, अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ेगा वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। ये नाउन रिलेटेड टू कंपाउंड इसका नाम है। क्या नाम है? नाउन रिलेटेड टू कंपाउंड। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब नाउन रिलेटेड टू कंपाउंड के बाद पढ़ रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन का रूल। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है पहले ये देख लीजिए, क्या क्या चीजें आती हैं ये पहले आप देख लीजिए। देखें, कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत तीन तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? तीन तरीके के, जिसमें क्या शामिल हो सकता है? आइदर और। क्या शामिल हो सकता है? आइदर और का क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया है। या फिर नाइदर नार, क्या चीज? नाइदर नार का क्वेश्चन आए तो समझ जाओ कोरिलेटिव कंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया। और या फिर आर, किसका? आर। तो आइदर आर, नाइदर नार और आर का रूल आपको लगाना पड़ेगा। वो रूल क्या है? रूल आपको बताता हूं क्या है। रूल इसका ये है रूल क्या है रूल इसका यह है कि आइदर आर, नाइदर नार और आर जब आएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के आगे के नाउन थर्ड पर्सन होने चाहिए। जैसे आइदर आया, आर आया, क्या आया? आइदर आर। तो आइदर के आगे का नाउन थर्ड पर्सन में है कि नहीं चेक करो, और के आगे का नाउन थर्ड पर्सन में है कि नहीं चेक करो। अगर नाइदर नार आया है तो नाइदर के आगे का नाउन देखो थर्ड पर्सन में है कि नहीं चेक करो। आइदर के आगे थर्ड और के आगे थर्ड, नाइदर के आगे थर्ड और नॉर के आगे थर्ड पर्सन होने चाहिए, ठीक है? आप चेक करो, अगर और आया है तो चेक करो और के पहले थर्ड पर्सन है कि नहीं है, या और के बाद थर्ड पर्सन है कि नहीं है, पहले चेक करो। और अगर दोनों तरफ थर्ड पर्सन है तो कहना, क्या कहना? अब तो हमें पोयम पढ़नी है। क्या कहना है? ये मेरी ट्रिक है, मेरे हिसाब से थोड़ा चलिए। तो क्या कहेंगे कि अब तो हमें पोयम पढ़नी है। थर्ड पर्सन क्या होता है पहले आपको पर्सन बता दूं तो जरा देख लीजिएगा, पर्सन आपको पहले क्लियर कर दूं। एक्चुअली ग्रामर में पर्सन होते हैं तीन प्रकार के। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। ग्रामर में पर्सन कितने होते हैं? तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, ठीक है? एक का नाम फर्स्ट पर्सन, एक का नाम सेकंड पर्सन और एक का नाम थर्ड पर्सन। मैंने क्या कहा कि आइदर आर, नाइदर नार और आर के पहले, आइदर आर, नाइदर नार और आर के पहले नहीं सॉरी बाद, आइदर के आगे, आर के आगे, नाइदर के आगे, नार के आगे, आर के पहले और के बाद हमेशा थर्ड होना चाहिए। यानी कौन वाले को कहा मैंने होना चाहिए? ये होते तीन प्रकार के, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड। कह दो मैं फर्स्ट, क्या कहोगे? मैं फर्स्ट, तुम सेकंड। जैसे गेम खेलते हो तो क्या कहते हो? फर्स्ट कौन होगा? क्या कहते हो? मैं फर्स्ट। भाई फर्स्ट तो मैं ही रहूंगा, तो मैं फर्स्ट, तुम सेकंड, बाकी दुनिया के सारे लोग थर्ड, बाकी सारे थर्ड। तो मैं का मतलब आई, तो आई कौन पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन है आई माई मी। क्या? आई माई मी। इसके तीनों केस हो गए, सब्जेक्टिव अभी आगे देखेंगे प्रोनाउन। तो ये फर्स्ट पर्सन है। वी माने क्या होता है? हम, हम, हम। तो हम कौन हो गए?
हम फर्स्ट हो गए, वी अवर अस, तो ये देखिए वी हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। तो आई और वी को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू को क्या बोलते हैं? सेकंड। बाकी कोई भी हो, ही थर्ड पर्सन, शी थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन, राम थर्ड पर्सन, श्याम थर्ड पर्सन, ज्योति थर्ड पर्सन, अमित थर्ड पर्सन, कोई भी है। मैं फर्स्ट, तुम सेकंड, मेरे फादर कौन? थर्ड। मैं फर्स्ट, तुम सेकंड, तुम्हारे फादर कौन? थर्ड पर्सन। तो दोनों तरफ के नाउन कैसे होने चाहिए? मैंने कहा थर्ड पर्सन होने चाहिए, यानी आई ना हो, वी ना हो और यू ना हो। अगर ये हुआ तो वो बात की बात है, अभी हम देखेंगे। क्लियर हो गया? पर्सन कितने होते हैं? अब जरा देख लीजिएगा, क्या कहा कि दोनों तरफ के नाउन पहले चेक करो कि थर्ड पर्सन में हैं या नहीं है। और अगर दोनों तरफ के नाउन थर्ड पर्सन है तो क्या कहना है हमको? पोयम पढ़नी है। कौन सी पोयम पढ़नी है? यही। क्या कि देखो ये जो दोनों नाउन जो थर्ड पर्सन में है ये कैसे हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल? मान लो ये दोनों ही सिंगुलर निकल आए। कैसे निकल आए? सिंगुलर निकल आए। तो देखो क्या लिखा है, दोनों नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, दोनों सिंगुलर निकल आए तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। और मान लो दोनों प्लूरल निकल आए, इसके आगे ये भी प्लूरल है, इसके आगे ये भी प्लूरल है, तो दोनों नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, मान लो एक सिंगुलर निकल आया, एक प्लूरल निकल आया, तब क्या करोगे? तो एक सिंगुलर एक प्लूरल तो भी वर्ब प्लूरल, यानी एक भी तरफ प्लूरल हो गया तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी है। और सिंगुलर लगाने के लिए तो आपको भाई क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर लगाने के लिए आपके दोनों तरफ सिंगुलर होंगे तभी सिंगुलर। प्लूरल में एक भी जगह अगर प्लूरल दिख गया तो फिर आपका वो क्या हो जाएगा? प्लूरल में एक भी जगह अगर प्लूरल दिख गया तो प्लूरल हो जाएगा। दोनों नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, दोनों नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, एक सिंगुलर एक प्लूरल तो भी वर्ब प्लूरल। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? दोनों तरफ के नाउन कौन पर्सन होने चाहिए? थर्ड पर्सन होने चाहिए। दोनों तरफ के नाउन कैसे होने चाहिए? थर्ड पर्सन होने चाहिए। और अगर दोनों तरफ के नाउन थर्ड पर्सन नहीं है तो, अभी बात आ गई ना कि नहीं है तो देखिए वर्ब जो है लास्ट वाले के अकॉर्डिंग लग जाएगी। तो वर्ब कैसे लग जाएगी? देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि ये जो दोनों नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, दोनों नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, एक सिंगुलर एक प्लूरल तो भी वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन किंतु दोनों पक्षों के नाउन या प्रोनाउन थर्ड पर्सन में ही होने चाहिए, अन्यथा वर्ब लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो कैसे यूज होगी? लास्ट वाले के अकॉर्डिंग, तो आइदर नहीं और के आगे जो होगा वहां पे इसके अनुसार यूज होगी। नाइदर में नाइदर के आगे नहीं, नॉर के आगे वाला नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो दोनों तरफ थर्ड पर्सन है कि नहीं पहले चेक करो, अगर है तो ये कार्य करना है और नहीं तो हमको लास्ट वाले के अकॉर्डिंग रखना है। तो देखिए भाई लास्ट वाले के अकॉर्डिंग कब रखोगे? जब थर्ड पर्सन में नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, कह रहा है नाइदर द बॉयज, तो नाइदर क्या हो गया हमारा यहाँ पे? द बॉयज और नॉर द गर्ल्स। तो पहले चेक करो आइदर आर नाइदर नॉर और आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि दोनों तरफ के नाउन थर्ड पर्सन हैं कि नहीं। चेक करो, मैं फर्स्ट तुम सेकंड, मैं फर्स्ट तुम सेकंड, तो बॉयज लोग क्या हो गए? थर्ड है ना, तो देखो थर्ड पर्सन में दिया हुआ है। और मैं फर्स्ट तुम सेकंड, तो गर्ल्स लोग क्या है? थर्ड पर्सन में है कि नहीं? हाँ है, दिया हुआ है। तो दोनों थर्ड पर्सन है तो पोयम पढ़ो भाई। क्या पढ़े? यही कि दोनों साइड के नाउन देखो भाई कैसे हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखो बॉयज लिखा हुआ है, प्लूरल है कि सिंगुलर है? देखो प्लूरल में है। और गर्ल्स कैसा है? प्लूरल में है। दोनों नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। वांट्स के बदले में क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो किसका आया है। अगला क्वेश्चन भी आया है आइदर और आर का। तो आइदर आर का क्वेश्चन आपको अब तो करना आ गया होगा।
क्या सबसे पहले चेक करना है कि दोनों साइड के नाउन थर्ड पर्सन है कि नहीं, चेक करो तो जल्दी से भाई जरा चेक करो। आशीष मैं फर्स्ट तुम सेकंड, आशीष कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन। और के आगे देखो, मैं फर्स्ट तुम सेकंड, नितिन कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन। देखो भाई ये भी थर्ड पर्सन है, दोनों तरफ थर्ड पर्सन है। अब जरा पोएम पढ़िए, आशीष सिंगलर है, प्लूरल है, सिंगलर है, नितिन सिंगलर है, प्लूरल है, सिंगलर है, दोनों नाउन सिंगलर तो वर्ब भी सिंगलर, हैव के बदले हैज कर दिया, हैव के बदले हैज कर दिया। और का क्वेश्चन देख लो भाई, और का एक और प्रैक्टिस हो जाए। और वाला क्वेश्चन आया, कौन वाला क्वेश्चन आया, और वाला क्वेश्चन देखो, हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो और का क्वेश्चन है ना, ये और का है। और का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइदर आर, नाइदर नॉर और पहले क्या चेक करना है, दोनों साइड थर्ड पर्सन है कि नहीं, चेक करो। हाँ सुनील थर्ड पर्सन है। और के आगे देखो भाई, ब्रदर कौन है, भाई लोग थर्ड पर्सन है, दोनों तरफ थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन है तो पढ़िए पोयम, ये सिंगलर है प्लूरल, ये सिंगलर है, ब्रदर्स कैसा है प्लूरल है, एक सिंगलर एक प्लूरल तो भी वर्ब प्लूरल, तो हैज के बदले हैव हो जाएगा, हैज के बदले में हैव हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन एक और देखिए, किस चीज का, आइदर आर का। देखो आइदर आर का क्वेश्चन है कि नहीं है, आइदर और, आइदर और का क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है आइदर आर का क्वेश्चन। आइदर आर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या कहा, चेक करो दोनों साइड के नाउन थर्ड पर्सन है कि नहीं, हो तो पोएम पढ़ो, नहीं तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग। आइदर यू, यू माने क्या होता है, तुम कौन पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया, लो थर्ड आया ही नहीं। और के आगे देखो क्या आ गया, आई, आई कौन सा है, आई माने क्या होता है, मैं कौन, मैं फर्स्ट, अरे दोनों तरफ थर्ड पर्सन आया ही नहीं, अब क्या करें, यहां तो फर्स्ट पर्सन हो गया, हाँ हो तो गया फर्स्ट पर्सन, अब ये फर्स्ट पर्सन हो गया है तो अब क्या पोएम पढ़ेंगे, नहीं। अब क्या मैंने कहा, एक बार देख लीजिए क्या कहा था, मैंने कहा था किंतु दोनों पक्षों के नाउन, ये देखिए, किंतु दोनों पक्षों के नाउन थर्ड पर्सन में ही होने चाहिए, अन्यथा वर्ब लास्ट वाले, क्या लिखा है, वर्ब लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी, लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी, किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो जल्दी से देखो क्वेश्चन, आई आया ना, तो आई लास्ट में आपका थर्ड पर्सन तो है नहीं दोनों साइड, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, आई आर थोड़ी होता, आई एम हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, Neither nor, neither nor में देखिए क्या है, neither you, you कौन person है, second person है, nor she, she कौन person है, third person है, क्या दोनों तरफ third person आए, नहीं दोनों तरफ third person नहीं आए, तो अगर दोनों तरफ third person नहीं आए हैं तो verb कैसी लगेगी, verb last वाले के according लगेगी, अगर दोनों तरफ third हैं तभी poem पढ़नी है, क्या दोनों noun singular तो verb भी singular, दोनों नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, एक सिंगलर एक प्लूरल तो भी वर्ब प्लूरल, लेकिन यहाँ दोनों तरफ थर्ड नहीं तो लास्ट वाला शी है, तो शी के साथ क्या हैव आता है, नहीं शी के साथ हैज आता है, शी के साथ हैज आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखो, इनको आपको सॉल्व करना है, बताओ क्या लगाएं। सबसे पहले मैंने बोला है ना, क्या करना है, चेक करना है दोनों साइड के नाउन कौन पर्सन में हैं। अगर दोनों तरफ के नाउन किस पर्सन में, थर्ड पर्सन में होंगे तभी हम क्या करेंगे, तभी हम जो है पोएम पढ़ेंगे। तो वह चेक करो सब लोग, इसका जवाब बताओ, आइदर आर का ये रूल मैंने कितने शब्दों के लिए बताया, आइदर आर, नाइदर नार और आर का रूल है। तो आइदर आर आया ना, सबसे पहले क्या करोगे बताओ आप लोग, सबसे पहले क्या करोगे, दोनों साइड के नाउन चेक करो थर्ड पर्सन है कि नहीं, मैं फर्स्ट तुम सेकंड सुनील थर्ड, मैं फर्स्ट तुम सेकंड प्रभात थर्ड, दोनों तरफ थर्ड हो गए, पोएम पढ़े कि नहीं, हाँ पढ़ें, क्या पढ़ें, चलो चेक करो, सुनील सिंगलर है कि प्लूरल है, सिंगलर है,
प्रभात सिंगलर है कि प्लूरल है? सिंगलर है, तो दोनों साइड के नाउन कैसे हो गए? सिंगलर हो गए। अब दोनों नाउन सिंगलर में है तो वर्ब क्या ले लें? हैज ले लें, हैव गलत हो गया। अब नाइदर नार का देख लीजिए एक बार और, नाइदर नार का देख लीजिए, ये देखिए नाइदर नार का क्वेश्चन आ रहा है। तो नाइदर नॉर में हमने क्या बोला है? इसमें भी वही बोला है कि दोनों साइड पहले चेक करो थर्ड पर्सन है कि नहीं, बॉयज, हाँ थर्ड पर्सन है। नॉर द गर्ल्स, गर्ल्स में फर्स्ट तुम, सेकंड गर्ल्स लोग कौन? थर्ड पर्सन है। दोनों तरफ थर्ड पर्सन है तो पोएम पढ़िए बताइए भाई, सिंगलर है कि प्लूरल है? बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज यानी कि प्लूरल है, गर्ल्स लिखा हुआ है यानी कि प्लूरल है। दोनों नाउन कैसे है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल, तो आपकी हैज नहीं क्या हो जाएगा? हैव। ठीक है, तो ये रूल आज आपको मैंने बताए, आगे के रूल हम लोग कल फिर लेकर के आएंगे, कल एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट के बाद फिर हमारा एक यानी दो रूल हमारे और बचे हुए हैं, उन दो रूल को हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड बाय, गुड नाइट, नहीं गुड नाइट क्यों बोलेंगे भाई, हाँ रात तो जो है फिलहाल मुलाकात होगी नहीं, तो अभी से गुड नाइट। ठीक है, चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं सुबह 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। और जितना मैंने बोला है वो सारा का सारा जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें। ठीक है, आगे की चीजें हम लोग कल फिर देखेंगे। लिवोलर्न ऐप पर मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, तो ये लाइव क्लास जो है आपको लिवोलर्न ऐप पर मिल जाएगी, जो कि रेगुलर पेड बैच होगा, और ये पेड बैच आपको डेली 8 से 9:15 का बैच होगा, 8 से 9:15 के बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच में आपको पूरे 7 to 8 month का कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें वीडियोस लेक्चर, लाइव लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के अलावा हमारा टेस्ट पेपर वगैरह जो होगा वो डाउट सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे लिवोलर्न ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।